अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज आपको दिखाते हैं अभी बिल्लियों की अपडेट। बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह और अब खाना भी खाने लगे हैं। इस टाइम हम उन्हें ग्रेवी डालने लगे हैं विस्कास की, वो दिखाता हूँ। ये देखें ये बाहर आ गया छोटू। इसकी आईज मुझे लग रहा है ब्लू हो सकती हैं पर होंगी नहीं, अभी तो ये गंदे हो रहे हैं। ये बार चारों बच्चे बाहर निकालना, ये तो इसी में से चला जाएगा अंदर। ये देखो कहाँ है, आ गया। ये देखें दो यहाँ बैठे हैं और चौथा ये रहा। अभी ये गंदे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि फीमेल इन्हें साफ करती रहती है ना, इस वजह से। अभी बारिश का भी सीजन है इस वजह से, इससे ना थोड़ा सा यहाँ से पानी बह के जाता है तो ये छींटों में बिल्लियाँ थोड़ी गंदी हो जाती हैं। क्यूटू जाओ, चले जाओ। सबको डाल दिया, चारों को डाल दिया ना, चारों को। ये कैसे निकलता है, आ जाओ। अभी इन्हें डाला कुछ, हाँ डाल दो इन्हें भी। छोटू बहुत तेज है, अपने आप चले जाते हैं अंदर। अभी इनको भी दूध डाल देंगे थोड़ा सा, ये भी पी लेंगे। इसी में रख दोगे, रख दो। ये देखो इन्हें अभी हमने दूध देना शुरू करा है थोड़ा थोड़ा सा, और अंडा भी देते हैं इन्हें। अभी देखते हैं पीते हैं नहीं पीते, पीते हैं नहीं पीते। ग्रेवी डालने के बाद भी बिल्लियाँ भूखी हो रही थी तो मैंने इन्हें ड्राई डाला है चारों को। इन्हें हम खोल देते हैं काफ़ी टाइम, ये पूरे टाइम इसमें बंद नहीं रहती, पर ये जैसे सफाई हो रही है इधर उधर ना निकल जाएगी। बिल्लियाँ छत पे भी चली जाती हैं ये, इसलिए इन्हें सेफ स्पेस यही है, इसमें इन्हें बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चों को भी दूध रखा है पर ये अभी पी नहीं रहे, अंदर ही खाना चाह रहे हैं। ये देखें सारे मनी प्लांट अब काफ़ी अच्छे से, मतलब ये वाला तो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, ऊपर तक हो गया, सारे अच्छे हो गए। चलते हैं ऊपर अब बकरों में, उन्हें भी खाना करते हैं। हम लोग आ गए हैं ऊपर, देखें माशाल्लाह बकरों की हेल्थ अच्छी होती जा रही है। इवन दो आज ये सुबह से खाली पेट हैं, पत्ते नहीं आए क्योंकि, तो ये खाली पेट हैं बिल्कुल। पर अगर अब आप इसको भी देखें माशाल्लाह तो कितना हेल्दी हो गया ये। ये देखें गंदा हो रहा है, वो बरसात में जानवर हो ही जाता है गंदा, पर वैसे देखें आप माशाल्लाह कितना हेल्दी हो गया। ये भी अच्छा हो रहा है अब तो, खूबसूरत हो गया माशाल्लाह। मैं आपको लॉन भी दिखाता हूँ यहाँ से, घास देखें, घास का वाला कारपेट कितना अच्छा लग रहा है। वो पेड़ भी सही हो रहे हैं, पर हमारा अनफॉर्चुनेटली संतरे का पेड़ सूख गया जो यहाँ लगा हुआ था, पर कोई बात नहीं, बाकी पेड़ हो गए। मतलब इस बार सिर्फ एक ही पेड़ सूखा है हमारा, बाकी कोई भी पेड़ नहीं सूखा। और ये वाली मुर्गियाँ भी अब मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि ये ना अंडे दे रही हैं ना इनकी हेल्थ सही हो रही है, सब कुछ कर लिया इन पर, लड़ती रहती हैं आपस में, तो इनको भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह चेंज करना है। ये 2-3 साल हो गई हैं इनको, क्रॉयलर को, अब इंशाल्लाह इन्हें चेंज करके दूसरी लाएंगे। इनकी भी लाइट बंद नहीं हुई हुई यार, अब इन्हें खाना डालना है वरना सुबह के टाइम ना मैंने पत्ते डालते हैं सिर्फ। देखे जंगली का वो तो निकल गया पर पत्ते नहीं। हाँ इसकी देखें, इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ ये सिर्फ मेरा हाथ देख के आ जाता है, ये देखिए आ जा, क्या हुआ, पीछे जा, पीछे जा। मुर्गियों ने भी यहाँ पे देखिए अंडा दिया पर वो टूट गया, पता नहीं कहाँ अंडे दे रही हैं मुर्गियाँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अब इन्हें खाना डालते हैं,
देखें ये हमारा नीचे का वेस्ट है, ये अंडे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि मुर्गियां जो हमारी अंडे तोड़ रही हैं ना ये अंडे ना तोड़ें। ये हमने डाल दिया ताकि जो हमारी मुर्गियां ये अंडे तोड़ती हैं ये अंडे भी ना तोड़ें और कैल्शियम भी इन्हें भरपूर अमाउंट में मिलता रहे। ये देखें अब बाकी ये वाला दाना ये भी डाल दो तो सिर्फ ये हमारा नीचे वेस्ट बचता है, ये सब भी मुर्गियां खा जाएंगी इसे फेंकने। वो देखिए छिलके सारे खा रही हैं, इनके कैल्शियम कंटेंट इससे पूरा हो जाता है। हम इन्हें डालते हैं खाना। जो है हमारी मिक्स फीड है, इसमें दाने भी मिक्स ही हैं, मक्का ज्वार चना जौ थोड़ी बहुत दालें भी हैं और इसमें चोकर है और आपका मेन चना छिलका है। तो ये अब हम इन्हें डालते हैं, ये हमने भी खुरली साफ़ भी करी है और मैं पूरा फैला के नहीं डालूंगा, इसमें एक ही जगह डालूंगा ताकि वो बकरी जो ऊपर चलती है वो गंदा ना करे और दूसरा इन दोनों बकरों को जो हमारे सफ़ेद आओ इन्हें मैं यहाँ पे एक तरफ डाल दूंगा। अभी देखिएगा आओ लाइगर आओ आयो शाबाश आयो आओ इधर आओ चलो अरे इधर तो आ अबे बदतमीज हो गया आ इधर आ यहाँ जाके खा अरे आ जा आ जा ये रहा बेटा ये रहा खाना। और इसको देखें मिक्स फीड को कितने शौक से खाते हैं बकरे। अगर मैं कान साइड करूँ तो आप देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। तो एंड करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।